डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल एंट्रीज से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जनरल एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड जो जो ट्रांजेक्शन अक्कर होती हैं उनका हम किस तरह से रिकॉर्ड मैंशन करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड रखते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि जनरल एंट्रीज ही फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। जनरल एंट्रीज की बेस पर ही आगे हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। यानी कि डियर फ्रेंड्स, जनरल एंट्रीज पर ही ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करता है, ठीक है। यानी जनरल एंट्रीज अगर हमारी ठीक होंगी तो आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम मिस्टेक करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जनरल एंट्रीज से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, ऑल डाउट्स को क्लियर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी अकाउंट से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियरली डिफाइन किया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। डियर फ्रेंड्स, आप वो देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहेगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर हमारी कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और अगर लाइबिलिटी कोई भी हमारी डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और याद रखना है, कैपिटल को हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे, ठीक है, इनके इफेक्ट्स वगैरह को। डियर फ्रेंड्स, जनरल अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या है, यानी अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जनरल एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं तो किस फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, ठीक है, यहाँ पर हम डेट मेंशन करते हैं, और सेकंड कॉलम डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स भी लिखते थे, की बात है, ठीक है। समटाइम्स यूज अकाउंट डिटेल्स का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अकाउंट डिटेल्स या फिर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हम क्या करते हैं, जो अकाउंट हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और लेजर फोलियो में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नंबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद डेबिट कॉलम होता है और हमारे पास क्रेडिट कॉलम होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, खालिद इन्वेस्ट इन बिजनेस कैश 40,000, ऑफिस इक्विपमेंट 60,000, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, याद रखना है, अगर ऑनर बिजनेस का कोई भी चीज इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश इन्वेस्ट करते या फिर इक्विपमेंट या फिर कोई भी गुड्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे अब हम एंट्रीज की पास करते हैं। कैश, जैसा कि उसने 40,000 इन्वेस्ट किया है, कैश क्या है, हमारा कैश एक एसेट है, करंट एसेट है, और कैश जैसे उसने इन्वेस्ट किया है 40,000 से, तो हमारा 40,000 से कैश इंक्रीज हो गया, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कैश अकाउंट डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और डेबिट साइड पे हम अमाउंट को मेंशन कर देंगे 40,000, ठीक है, यहाँ पर हमने 40,000 लिख लिया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 60,000 का उसने इन्वेस्ट किया है। अब ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एक नॉन करंट एसेट है, ठीक है, इसे भी हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एक नॉन करंट एसेट है। अब ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट यानी एसेट इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होता है एसेट, तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम 60,000 से इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल जब भी इंक्रीज होते हैं कैपिटल को हम एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड पे कैपिटल को मेंशन कर देंगे, यानी इन दोनों का टोटल यहाँ क्रेडिट साइड पे हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि टोटल कैपिटल ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, 40,000 प्लस 60,000, यहाँ पर 1,00,000 बिजनेस के ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया 1,00,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 6,000, ठीक है। याद रहे कि परचेज अकाउंट को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जब भी कोई चीज परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब मर्चेंडाइज परचेज किया है, यानी मर्चेंडाइज हमारा इंक्रीज हुआ, मर्चेंडाइज भी एक नॉन करंट एसेट है, यानी गुड्स कोई भी हम परचेज कर लें, ठीक है, तो यहाँ मर्चेंडाइज अब यहाँ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, याद रखना है कि जब हम डिस्क्रिप्शन में डेबिट अकाउंट को लिखते हैं तो उसके नीचे हम कुछ स्पेस छोड़कर फिर क्रेडिट अकाउंट को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मर्चेंडाइज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे कि 6,000 से हमने परचेज किया है तो मर्चेंडाइज हमारा इंक्रीज हुआ है 6,000 से, तो यह हमने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद हमने मर्चेंडाइज कैश बेस पर परचेज किया, यानी कैश पे किया है तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया, और कैश क्या है, एक करंट एसेट है, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन अब क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम साहिद 10,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने क्रेडिट बेस पर परचेज किया था, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। परचेज हम जब भी करते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट अमाउंट 10,000, ठीक है, डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट्स को, ठीक, और क्रेडिट ऑफ पेबल्स हमारे क्रेडिट हो गए, ठीक है। जाहिद से हमने परचेज किए हैं तो जाहिद हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है, नाम अगर गिवन हो तो हम नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। कौन क्रेडिट हुआ है अकाउंट, जाहिद का अकाउंट, तो जाहिद पेबल्स 10,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू आमिर। इस दफा हमने सोल्ड किए हैं गुड्स, मर्चेंडाइज गुड्स हमने सोल्ड किए हैं इस दफा आमिर को, लेकिन क्रेडिट बेस पर ही किए हैं। ठीक है, अब याद रखना है डियर फ्रेंड, जब भी हम सेल्स करते हैं तो सेल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर परचेज कर रहे हैं गुड्स तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्रेडिट बेस पर सेल किए हैं आमिर को, यानी रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए। और रिसीवेबल क्या है, हमारा एक करंट एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम के बने तो हम नाम ही लिख देंगे आमिर रिसीवेबल्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने 10,000 से हमारा आमिर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, रिसीवेबल हमारे एक करंट एसेट है। ठीक है, और सेल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट ही करेंगे हम 10,000 से, हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ट्रांजेक्शन क्या है, पेड रेंट एक्सपेंस 600। अब डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन के क्या इफेक्ट्स है, पेड रेंट एक्सपेंस, हमने रेंट एक्सपेंस पे किया है 600, तो 600 से हमारा कैश तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया तो कैश डिक्रीज हुआ, कैश क्या है हमारा एक करंट एसेट है, और एसेट जब भी डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम कैश को तो रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट साइड पे 600 से। ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद अब डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, डियर फ्रेंड्स आप अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा डील एंड क्लिप का। ठीक है, डील चार अकाउंट्स को शो कर रहा है, डी फॉर ड्राइंग, E for expense, A for asset और L for loss। इन चारों accounts में से अगर कोई भी account increase होगा तो उसे हम debit side पे record करेंगे। ठीक है, और clip का concept अपने mind में रखना है, clip इन चार accounts को show कर रहा है, C for capital, I for income, L for liabilities और P for profit। यानी इन चारों accounts में से अगर कोई भी accounts increase होगा तो हम उसे credit side पे record करेंगे, और अगर decrease होगा तो हम उन्हें debit side पे record करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद next transaction number 6 पर जाते हैं, वो क्या है, sold merchandise for cash 3500। ठीक है, हमने कैश बेस पर सेल किए, अब हमने कैश रिसीव किया है, जैसे ही हमने कैश रिसीव किया तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया, और कैश अकाउंट हमारे करंट एसेट है, करंट एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम फर्स्ट कैश को हम रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड पे, कितने से 3500 से, 3500 से यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये हमने 3500 से कर लिया। उसके बाद सेल की है सोल्ड मर्चेंडाइज, तो सेल अकाउंट मैंने कहा था हमेशा हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर अब सेल अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे 3500 से। उसके बाद सेवंथ ट्रांजेक्शन क्या है, अर्न्ड कमीशन रुपीज 10,000। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट है, हमने कमीशन इनकम रिसीव किया, हमने किसी से पैसे रिसीव किए 10,000, जिससे हमारा क्या हुआ, कैश इंक्रीज हो गया, और कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो उसे डेबिट कर देंगे। ये हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से। और इस ट्रांजेक्शन का सेकंड इफेक्ट कौन सा है, अब हमने कैश अकाउंट तो रिसीव किया था, इंक्रीज हुआ था और हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे, कमीशन इनकम। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि क्लिप के चार अकाउंट्स है ना, जो ये अगर इंक्रीज होंगे तो इन्हें क्रेडिट करेंगे। अब क्लिप में ही हमारा इनकम इंक्लूड है। ठीक है, सी फॉर कैपिटल और L फॉर लाइबिलिटीज, I फॉर इनकम, और हमने इनकम ही रिसीव किया यहाँ पे, अर्नड इनकम। ठीक है, अर्नड कमीशन, कमीशन हमारी एक इनकम है, वो हमने रिसीव किया। ठीक है, यानी इनकम हमारी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ 10,000 से हम क्या करेंगे, कमीशन इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 10,000 से कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या है, परचेज सप्लाइज ऑन क्रेडिट। दोबारा हमने परचेजेस किए हैं सप्लाइज ऑन क्रेडिट उधार बेस पर फ्रॉम अलीम। ठीक है, अलीम से हमने परचेज किए हैं सप्लाइज ऑन क्रेडिट, तो सप्लाइज हमने परचेज किए हैं, सप्लाइज को डेबिट कर देंगे। और अब क्रेडिट पर परचेज किए हैं फ्रॉम अलीम, तो पेबल्स हमारे इंक्रीज हो गए क्योंकि उधार पर हमने परचेज किए, लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती है तो हम लाइबिलिटी का अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सप्लाइज को हमने डेबिट कर दिया 800 से, और अलीम को हम क्रेडिट कर देंगे 800। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या है, पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस। यहाँ भी हमारा एक्सपेंस इनकर हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस को 650 से, और क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे कैश अकाउंट को 650 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 10, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर करीम रुपीज 4000 ऑन क्रेडिट। हमने दोबारा सेल किया मर्चेंडाइज के गुड्स, मर्चेंडाइज गुड्स के हमने सेल किया है मिस्टर करीम को 4000 रुपए के। ठीक है, 4000 रुपीज की ऑन क्रेडिट, लेकिन उधार बेस पर ही हमने सेल किया है। अब यहाँ पर सेल हुई, फर्स्ट तो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तो हमें समझ आ गया कि सेल हुई है, और सेल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट ही करना है, हमने वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अब क्या, हमने क्रेडिट पर सेल किया है तो हमारे रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गए। यहाँ पे जैसा कि नाम गिवन है हमें मिस्टर करीम, तो मिस्टर करीम को हम डेबिट कर देंगे 4000 से, और क्रेडिट कर देंगे सेल अकाउंट। यहाँ पर अब नीचे आए हम, मिस्टर करीम को हम डेबिट कर देंगे 4000 से, और क्या करेंगे, सेल अकाउंट का हम क्रेडिट कर देंगे 4000 से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन नंबर 11 क्या है, खालिद विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 3000। अब खालिद बिजनेस का ओनर है, और ओनर जब भी कोई चीज इन्वेस्ट करता है तो वो हमारा कैपिटल कहलाता है। ठीक है, और अगर बिजनेस से ओनर कोई भी चीज विदड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग। ठीक है, यानी ये ट्रांजेक्शन क्या बता रही है कि बिजनेस के ओनर ने विदड्रॉ किया है पैसे, यानी ड्राइंग की ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे कि कादिर ने विड्रॉ किया है कैश, कैश हमारा डिक्रीज हो गया और कैश हमारा एक एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्स्ट हम कैश अकाउंट का डिक्रीज हुआ है तो कैश अकाउंट का हम क्रेडिट कर देंगे 3000 से, ठीक है, ये हमने कैश अकाउंट को 3000 से क्रेडिट कर दिया। और डेबिट क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट जब भी अगर हो उसे हम डेबिट कर देंगे, याद रखना है अपने माइंड में कि ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि डील वाला मैंने पोर्शन बताया कि इन चार अकाउंट में से अगर कोई भी इंक्रीज होगा तो हम डेबिट कर देंगे। ड्राइंग डील, डील का फर्स्ट यानी फर्स्ट डिजिट जो डी है ड्राइंग ही को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रेंटेड सर्विस टू क्लाइंट हैड रिसीव्ड कमीशन, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिलेट करिए, दोबारा जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 7 से रिलेट करिए, वहां भी हमने अर्न किया था कमीशन 10,000 का और यहाँ भी क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं और उसे रिसीव्ड किया हमने कमीशन 2000। तो यहाँ इसकी भी ट्रांजेक्शन सेम हम करेंगे, यानी क्या कैश हमने रिसीव किया है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे 2000 से, ठीक है। उसके बाद अब क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे, कमीशन इनकम। उसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड इंश्योरेंस फॉर द मंथ 500। अब हमारा इंश्योरेंस क्या है, हमारा इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, हमने एक्सपेंस पे किया यानी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, और हमने पेड किया है इंश्योरेंस एक्सपेंस तो यानी कैश पे किया है तो कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैश डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लास्ट ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, आप डेबिट कर देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को 500 से, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को 500 से, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये तमाम ट्रांजेक्शन को हमने पोस्ट कर लिया, ठीक है, यानी इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इस तरह से हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम पोस्ट टू लेजर अकाउंट्स यानी बी जो इसका पार्ट है रिक्वायरमेंट में जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया यानी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, हमने तमाम जनरल एंट्रीज पास कर दी। अब हम सेकंड बी ऑप्शन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।